उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम, चारों दिशाओं में पूरी तरीके से बारिश ने अपना प्रभाव जमा रखा है। अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल की, तो बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर का क्षेत्र बना हुआ है, जिसकी वजह से पूरे पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, झारखंड, आपका तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में यहाँ पर मानसूनी गतिविधियाँ एकाएक तेज उछली हैं। अगर बात करें दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत में भी कमोबेश स्थिति यही है। अगर बात करें आपके उत्तर भारत की, तो उत्तर भारत में आपका हिनोम चक्रवाती तूफान कहर मचाए हुए है, और इस समय पर हिनोम का जो साइक्लोनिक सिस्टम है वो पूरे पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और उत्तर प्रदेश को कवर कर चुका है। राजस्थान के कई इलाकों में छिटपुट बादल की आवाजाही हो रही है, लेकिन इस समय पर अगर देखा जाए तो ऊना, होशियारपुर में सर्वाधिक नुकसान बीते 23 घंटे के दौरान देखने को मिल रहा है। और अगर बात की जाए, देखिए हमारे यहाँ पर भी अगर हम दिखाना चाहें, तो हमारे यहाँ पर भी बारिश बदस्तर जारी है। जैसा कि हम आपको हर वीडियो में बताते आए हैं कि बारिश जो है आपके क्षेत्र में भी है, और लगातार आप लोगों से कहते आए हैं कि चैनल को ट्विन क्रैकर जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस पर आपको मौसम से रिलेटेड सारी जानकारियां मिलती हैं। तो मैं पश्चिम बंगाल की पहले बात करूंगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल के किसानों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई किसान जो हैं कह रहे हैं कि भैया हमारे यहाँ पे तो 750 से ज़्यादा कोई नहीं ले रहा है, कोई कह रहा है 800 से ज़्यादा कोई नहीं ले रहा है। लेकिन मैं यहाँ अब उन किसानों के लिए एक बात कहना चाहूँगा कि अपना धैर्य बना के रखें, क्योंकि जो साइक्लोनिक सिस्टम है वो पश्चिम बंगाल के ऊपर पूरी तरीके से हावी है, और यहाँ पर मानसूनी गतिविधियाँ एक एक जोर पकड़ चुकी हैं। अगर बात की जाए आपके, आप बोल रहे हैं कि असम में आलू नहीं आ रहा है, तो असम में उत्तर प्रदेश का जो यहाँ से जो रैक गई थी, फर्रुखाबाद से हो, अलीगढ़ से हो या कहीं से भी हो, वो जो रैक गई थी उसकी वजह से पश्चिम बंगाल का जो ज्योति आलू है, जो असम में आपका बेचने जाते थे, आप लोगों को रोक लग गई, यानी कि आपके आलू को नहीं पसंद किया, यूपी के आलू को पसंद किया। लेकिन आने वाले समय में भारत सरकार द्वारा रेल को रोक दिया है, जो रैक जा रही थी असम के लिए, गुवाहाटी के लिए, बिरहा के लिए, वो रोक दिए हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में आलू जो है अभी भी 60% से अधिक कोल्ड स्टोरेज में भरा हुआ पड़ा है। अगर रैक नहीं रुकी तो पश्चिम बंगाल के किसान जो है भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे, उन्हें फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। इसलिए सरकार ने एहतियाती कदम उठाते हुए जो उत्तर प्रदेश से जो आलू की रैक हैं जो जा रही थी, जो प्रस्तावित थी आने वाले समय में 4 या 5 और, तो ऐसी में उन्होंने पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया, ताकि पश्चिम बंगाल के जो कोल्ड स्टोरेज में 60% से अधिक आलू जो भरा हुआ है उसकी निकासी हो, और जब उसकी निकासी होगी तो आप लोगों को अच्छे दाम भी आलू के मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे साथ कई किसान मौजूद हैं, और बारिश का भी दौर लगातार जारी है, तो ऐसे में मैं पूछ लेता हूँ दादा से क्या स्थिति है, क्या लग रहा है आपको, जैसे कि हिनोम जो चक्रवाती तूफान है ये ऊना होशियारपुर में अभी आपने न्यूज़ देखा है, क्या लग रहा है वहाँ पे, कितनी नुकसान है? उसके अनुसार तो नुकसान है ही है, वहाँ हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है हल्की, हमारे यहाँ पे हल्की है। और वहाँ पर तो बहुत बारिश है। चैनल ने न्यूज़ देखा था आपने? हाँ देखा था। क्या ये आलू के किसानों को कितना नुकसान है वहाँ पे? करीब 60-70% नुकसान है। क्या आलू कंपेयर नहीं कर पा रहा है या पूरा डूब चुका है? डूब चुका है, पूरा पानी से डूब गया है आलू। तो अब क्या करेंगे ऊना होशियारपुर के किसान? दोबारा बोया जाएगा और क्या होगा। लगभग जब हम बताते थे कि 15-20 तारीख से मानसूनी गतिविधियां बढ़ेंगी, जब आप लोगों को कुछ झूठ लगता था कि पत्रकार झूठ बोल रहा है। नहीं तो मानसून तो बहुत बता ही रहे, नेटू बता रहे हो ना, बारिश तो अब स्थिति स्पष्ट हो गई। हाँ स्पष्ट हो गई। देखिए मेरे साथ में एक दादा भी मौजूद है, मैं दादाजी से पूछ लेता हूँ। दादाजी बारिश का क्या चल रहा है यहाँ पर? ज़्यादा भारी वर्षा तो होता है, पर ठीक है, काम चला, उस सरकार चल रही है वर्षा की। हमारे यहाँ पर कम है और कहाँ। और जो ऊना होशियारपुर में जो आप रिपोर्ट देखे हैं वो? वहाँ तो खूब वर्षा है रही है चकाचक, यानी कि वहाँ पर आलू किसानों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनके द्वारा फसल लगाई ना है। वो ऐसा सड़ जाएगा, वो तो पानी भर जाएगा, सड़ जाएगा, और वो तो नुकसान ही नुकसान है। तो ऐसे में क्या लग रहा है अब आपको, जैसे कि ऊना होशियारपुर में बीते 22 से 23 घंटे पहले से जो बरसात है वो अभी भी नहीं रुक रही है, लगभग 25 सितंबर तक का वहाँ पर रेड अलर्ट है, और उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में 30 जिलों में रेड अलर्ट है, बाकी में येलो अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। ऐसे में देखिए मैंने आप लोगों को एक बात बता दी, मायने नहीं रखता है कोल्ड स्टोर में कितना आलू भरा पड़ा है, चाहे इसमें हो 70%, लेकिन मांग जब उठती है ना तो 70% कोई मायने नहीं रखता है, फिर चाहे वो आलू कैसा भी हो आपका, वो सारा कुछ उठ जाता है। अगर आज की स्थिति में मंडी में देखें तो जब आप सब्जी लेने जाते हैं ना तो पूछते हैं भिंडी किस रेट दे रहे हो या उस रेट दे रहे हो, तो हरी सब्जियाँ जो हैं 30 रुपये के प्रति किलो के पार जा चुकी हैं। जब हरी सब्जियाँ पार जा चुकी हैं तो आप आदमी क्या पकड़ रहा है, आलू को पकड़ रहा है। और फिर देखिए मानसूनी गतिविधियाँ, तो मानसूनी गतिविधियाँ क्योंकि पहले टेम्परेचर गर्म था और अब
जो है टेम्परेचर बहुत डाउन हो चुका है। ऐसे में जो पहले आलू की ख़रीदारी और आलू को खाने से बच रहे थे, वो एक बार फिर दोबारा से आलू को खाने और उसे ख़रीदारी करने के लालायत यानी अग्रसर नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में आलू के रेटों में बढ़ोतरी की पूरी पूरी गुंजाइश दिखाई दे रही है। वो बात अलग है कि आपको वो सामर्थ्य नहीं है, आपको आवश्यकता है तो अपने आलू को बेच सकते हैं, लेकिन किसी पर आरोप ना लगाएं कि भैया उसने फलाने ने कह दी आलू महंगा होगा और हम ना बेच पाए आलू। तो ऐसे बात ना करें, अगर आपको दिख रहा है आलू महंगा होगा तो रोकें, अन्यथा की स्थिति में आप निकाल सकते हैं। जी सर। हाँ जी, चल रही है बारिश तो नहीं। पहले तो ये कह रहे थे कि सोनुआ झूठ बोलते है, चाहे तो झूठ बोले की आदत पड़ गई है, पत्रकार है तो चाहे तो मिर्च मसाला छोंकनो छोंकनो है। अब तो सही है, सही है, बारिश हो रही है यहाँ, सही है। हाँ, सादाबाद में तो सही है, सही है। हाँ, बढ़िया जो कह रहे बारिश तो है, उतनी ना जी तो झूठी डाल दे तो है। कई बार और हो गई है यहाँ तो, हो गई है। हाँ, संतुष्ट हैं। हाँ, संतुष्ट। एक बात बताइए, यहाँ पर थोड़ा बहुत ऐसा है ऊना होशियारपुर में तो ज़्यादा नुकसान बता रहे हैं, वहाँ का क्या है? बारिश से? बारिश से क्या, किससे? जो आलू बुवाई हो चुकी है। हाँ तो वहाँ बारिश हो गई तो नुकसान तो होता है, नुकसान है। तो ऐसे में आलू के रेट बढ़ सकते हैं? हाँ बढ़ सकते हैं। कितने रुपये तक जा सकता है इसका तो कोई अंदाज नहीं है, फिर भी एक अनुमान होता है। जैसे किसान कह देते हैं भाई, पहले बता रहे थे 1000 रुपये पैकेट बिक जाएगा, अब तो वही 800 और 900 रुपये तक ले रहे हैं। ये तो 800-900 का यहाँ का बाजार है। हाँ। अब जब बारिश हो गई है ऊना होशियारपुर में, अभी बारिश बंद नहीं है और भी कई किसानों को ले डूबेगी, तो ऐसे में दोबारा से आलू लगे तो क्या होगा? हाँ तो कीमत तो बढ़ेगी। कितना बढ़ जाएगी अब तो बता दो यार। देखो चाचा, बरसात हो रही है, देखो इतना मेहनत करते हैं, क्योंकि फिर भी लोगों को झूठ लगता है। फिर भी 1200 रुपये का तो मानो अनुमान है। जब हम बताते हैं कि बारिश हो रही है तो लोगों को झूठ लगता है। आज भी मैं आपको बता दूँ, 410 लाख मैट्रिक टन आलू दुबई गया है और वहाँ से वैभव शर्मा ने बताया है, फिर भी किसान, मतलब ये जो खुरापाती है ना, किसान तो गुमराह हो जाता है। तो कोई कुछ कह देता तो नहीं, सच्चाई जब बताई जा रही है तो सच्चाई में देखनी चाहिए ना, सच्चाई बढ़ सकता है रेट। देखिए मेरे साथ में भैया मौजूद हैं, भैया क्या स्थिति है? स्थिति ये है कि बता रहे थे आप अभी कि ऊना होशियारपुर में बारिश पड़ रही है, वो तो आपने भी देखा, मैंने क्या बताया। हाँ मैंने भी देखा था चैनल पे, तो अब उम्मीद यहाँ लगाई जा रही है कि वहाँ काफ़ी नुकसान होगा किसानों को, और वहाँ के किसानों को नुकसान होगा तो फिर यहाँ अपने एरिया में आलू के दामों में थोड़ी बढ़ोतरी दिखेगी हमें, और उम्मीद लगाई जा रही है। देखो 1000+ आलू जा सकता है, 1000+ तो आज भी आगरा में बिका है। अरे लेकिन यहाँ हमारे सादाबाद एरिया में तो नहीं है, लेकिन हाँ ये 1000 और 1200 के बीच में आलू पहुंच सकता है। किसानों को थोड़ी खुशी मिली है इससे कि आलू बढ़ने की आशाएं बढ़ी हैं। देखिए मैं किसानों के लिए वर्क करता हूं, आपने भी देखा है, लेकिन कुछ लोगों ने ये, जब मैं सच्चाई दिखाता हूं ना तो कुछ लोग हाथों के पीड़े पड़ जाते हैं, चाहे वो शर्मा हो, चाहे बाज हो, चाहे कोई भी गौड़ हो, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन सच्चाई हमेशा कभी ना कभी सामने आई जाती है। और सत्य को किसान साथियों प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, ना मुझे इन लोगों से जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, ना मुझे इनसे स्टाम्प पर लिखवानी है, ना इनसे मुझे प्रमाणित करना है कि खबर सही है कि नहीं है, क्योंकि सच्चाई बोलती है। मैं आप लोगों को एक हफ्ते पहले से निश्चित तौर पर बता रहा हूँ कि बारिश आपके क्षेत्र में भयंकर होगी, और ये भी बता रहा हूँ ऊना होशियारपुर में आलू की तबाही होनी है, लेकिन आप लोगों को सच्चाई दिखी नहीं। लेकिन सच्चाई आ गई सामने, बारिश भी हो रही है आपके साथ, पूरे क्षेत्र में हो रही है, पूरे उत्तर प्रदेश को ये कवर कर चुकी है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में, जिसे आप ऊना और होशियारपुर भी जानते हैं, और चंबा भी जानते हैं, कुल्लू भी जानते हैं, और किन्नौर भी जानते हैं, यहाँ पर पूरी फसलें तहस नहस हैं। हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप लोगों को एक झूठी बातों पर विश्वास करने की आदत जो पड़ गई है ना, तो फिर भी हमें बताना पड़ता है, लेकिन उन लोगों के लिए तो हमारी संवेदना है, लेकिन दोबारा से उनकी बुआई होगी तो कितनी आर्थिक चोट लगेगी। ऐसे में ये बात तो बलवती है कि आपके आलू के दाम बढ़ जाएंगे, और बढ़ने भी चाहिए, ये हम दावे के साथ कह रहे हैं। आलू 1200 रुपये प्रति पैकेट बिकेगा, लेकिन आप देख लीजिए ये जो बारिश की जो गतिविधियाँ हैं, जरा थोड़ा और जूम करके दिखाइए पास में आके, ये जो बारिश की जो गतिविधियाँ हैं, ये जो हैं आप लोगों को काफ़ी राहत प्रदान करने वाली हैं। यानी कि आलू चाहे आपका चाहे छोटा हो, चाहे मोटा हो, चाहे छिला हुआ हो, चाहे दागी हो, चाहे कैसा भी हो, अगर ये देखिए बारिश जो है अगर रुकती है तो ही कुछ वो हो पाएगा, लेकिन बारिश आपके लोगों के लिए काफ़ी वरदान बनने वाली। क्यों भैया? हाँ बिल्कुल सही बात है, इस बारिश, एक तो यह बारिश के मौसम में आलू ठंडा मौसम हो जाता है, तो इससे जो है व्यक्ति आलू को थोड़ी मांग रखता है, और इसमें हरी सब्जियां भी ख़राब हो जाती हैं बारिश के मौसम में, तो इससे हरी सब्जियों का दाम बढ़ता है, तो इस वजह से आदमी आलू पर थोड़ी सी पकड़ करता है, क्योंकि आलू देखा जाए तो गर्म होता है वैसे, और बारिश के मौसम में ठंडे मौसम में गर्म खाने का आदमी को थोड़ा शौक होता है।
देखिए चैनल शुरू किया है ट्विन क्रैकर्स और लगातार हम बता रहे हैं चैनल पर बिल्कुल सटीक रिपोर्ट दी जा रही है, बारिश हो रही है। और जो कहते थे सोनू चौधरी झूठ बोलता है, वो एक बार ट्विन क्रैकर्स चैनल पर जाकर जो पट्टी पे चल रहा है इस पर जाकर खुद अपनी आंखों से देखे कि ये जो रचना मैडम ने जो ट्विन क्रैकर्स यूट्यूब चैनल शुरू किया है उस पर वास्तविकता है कि नहीं है, लगातार बताई जा रही। क्यों भैया सत्यता निकली नहीं? बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल आप जो कह रहे हो, आप जो कह रहे हो 100% सत्य बात है। किसानों को चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए? नहीं, किसानों को बिल्कुल चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। ये चैनल किसानों के हित में काम कर रहा है, हम आशा करेंगे ये चैनल किसानों के हित में ही काम करेगा। इस किसानों को, इस चैनल को अपना पूरा प्यार देना चाहिए और पूरे भरोसा रखना चाहिए इस चैनल को। चलिए किसान, मेरे साथ में एक कृषि विशेषज्ञ भी मौजूद हैं और पेशे से किसान भी हैं और इनका कहना है कि जो बारिश है वो कुछ अलग ही यानी कुछ बड़ा करने वाली है। पूछ लेता हूँ कैसा बड़ा करने वाली? जी भैया, बारिश सब जगह, हर स्टेट में बारिश हो रही है, ज़्यादा केवल जो बारिश हुई है अपने यूपी में पश्चिम में इस साइड में कम है बारिश, लेकिन ज़्यादातर बारिश सब में इतनी भयंकर बारिश है। अब भी बारिश है, मौसम में अब भी कह रहा है, कल भी बता रहा है तगड़ी बारिश है। राजस्थान में तो हो ही रही है, राजस्थान में कई ज़िले तो उसमें रेड जोन में कर दिए हैं। अब आलू की स्थिति आगे देखो अच्छी बनेगी शायद। कैसे बनेगी? क्योंकि कई जो कह रहे हैं ऊना होशियारपुर में बरसात नहीं है, और जब आप बता रहे हैं कि ऊना होशियारपुर में मेरे मिलने वाले हैं वो बता रहे हैं कि उनकी कई बीघा फसल बर्बाद हो गई, यानी आज सुबह जो बरसात हुई है ज़्यादा उससे। देखो बारिश वहाँ पे जो हुई है वहाँ फसल की जो बिजाई हो रही है वो लेट हो जाएगी, और लेट की अपेक्षा बीज भी फिर अगर किसी की बिजाई भी हो चुकी है तो बीज दोबारा भी जाएगा, जब दोबारा भी जाएगा तो बीज की मांग दोबारा होगी, जब दोबारा बीज की मांग होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि रेट बढ़ेगा, ये है। कितने तक देख रहे हैं आप? देखो अनुमानित है कि ज़्यादा पिछली साल की तरह तो शायद है नहीं खैर, लेकिन 1000 से और 1500 के बीच में लमसम हो सकता है, यानी क्या मान रहे हैं। हाँ, अगर बात की जाए तो कितने प्रतिशत इस बार कोल्ड बढ़ेगी? कोल्ड तो करीब आप मान के चलिए कि 100% तो कहीं नहीं होता है, आप 90% के करीब मान के चलिए, कम से कम 90% तो हैं फुल। अगर बात की जाए इस समय पर, सितंबर आज 14 हो गई, आज सितंबर 14 तक आधा ही सितंबर मान लीजिए, ऑल इंडिया में से कितने परसेंट की निकासी कोल्ड से हो गई है? करीब मान के चलिए 40-50% निकासी हो चुकी है, और इसमें बिजाई भी जो है, बिजाई का जो बीज जो होता है वो 20-25% मान के चलो, मान लीजिए कि 50 और 20 70 हो गया जी, और 70 हो गया, अब 90 में से 70 गए तो 20% बचा, 20% बचा। 20% क्या मायने रखता है इस बारिश में? 20% कुछ मायने नहीं रखता, इसके कह नहीं सकते हैं 20% में, रेट तो आपके सामने स्वाभाविक सी बात है 900 के आसपास तो चल ही रहा है, और ये अगर यही स्थिति रही तो आगे रेट बढ़ेगा। बारिश हो रही है, रेट बढ़ेगा, इसका बेनिफिट जो है किसान को जाएगा। कई लोग जो हैं आपने देखा होगा सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुपों पे या उस पे भी वो करते रहते हैं कि इस समय पर के आलू जो है फेंकेगा किसान भाइयों, इतना बैलेंस है, ये है वो है, मतलब कुछ तो ऐसा कर रहे हैं, किसानों को बिल्कुल तोड़ रहे हैं, जबकि हकीकत ऐसा नहीं है। 20-25% अगर मान लें कोल्ड में बचा भी रह गया तो वो इस बारिश में चला जाएगा। देखो ये तो स्टोर वाले हैं, स्टोर वालों की तो मोनोपोली रहती है कि किसान जल्दी से जल्दी निकले, और मेरा आलू है देखो रेट 900 के आसपास चल रहा है, तो यहाँ की सादाबाद की स्टोरों की स्थिति जो बहुत गड़बड़ है, आपस में स्टोर वालों की सब मोनोपोली चलती है, ये है। अच्छा आलू है, आप देख सकते हैं उसका रेट, आलू की चेहरा आप देख सकते हैं किस किस्म का आलू है, और तो यहाँ की तो मोनोपोली है लेकिन रेट ठीक है, रेट बाकी सब सही चल रहा है, यानी आगे आपको लग रहा है बढ़ेगा। साथियों मेरे साथ में वीडियो में इतना ही, वीडियो को अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो सभी के साथ शेयर करना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। लेकिन ट्विन क्रैकर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।